मगर फाइनली अब हम जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ। तंग करते हैं गुड मॉर्निंग। साढ़े नौ बजे निकलने का वादा किए थे ये लोग, उठे नहीं है अभी तक, कोई सवाल ही नहीं है। मैं भी भाई 2 या 3 घंटे सोया हूँ, उठ जा, चलना नहीं है, लेट हो जाएगा शिमला में, बहुत सामान भी खरीदना है। आंखें नहीं खोल रही है, तेरे को तो ऐसा लग रहा है तेरी आंखों में जंजीरें बंधी हुई है। चलो उठ जा। तो हेलो रीडिक, तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ। थोड़े दिन तक मैं उज्जो के साथ घूमने वाला हूँ, तो मैं भी मतलब व्लॉग स्टार्ट करूँगा, मतलब बीच में मैं भी व्लॉग में बोलूँगा, तो इसकी आदत डाल दो। सेकेंडली, अभी ये भाई अभी उठे नहीं, आपको मैंने अभी दिखाया थोड़ी देर पहले, तो मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि निकलना है, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। तो गाइज ये है चिले का, 2 मिनट, लाइट यहाँ से आ रही है। तो ये है चिले का बैटर, तो एक्चुअली मम्मा बना के गए थे, तो मुझे जस्ट ये डालना है तवे पर बनाना है। मम्मा की स्पेशल इंस्ट्रक्शन है ये, ये आप देख सकते हो, ये नॉन स्टिक तवा है। बोले इसकी ना ये जो नॉन स्टिक वाली लेयर है ना, इसको मत उखाड़ दियो। तो चिल्ले बना, बना नहीं है तेरे को चिल्ले बनाने के लिए, बट ये नहीं उखाड़ना है, तो इसका स्पेशल ध्यान रखिएगा। और देखते कैसे बनते हैं मुझसे चिल्ले, मैंने 1-2 बारी बनाया है तो आई फेल्ड मिजरेबली। तो यार जब तक ये चीला बन रहा है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, इसके जो बैटर है ना, इसमें एक्चुअली मम्मा ने बहुत सारी चीज़ें मिलाई होती हैं, मतलब जैसे कि बहुत सारी वेजिटेबल्स, बहुत सारे मसाले भी मिलाए होते हैं, और डिफरेंट आटों का बनाते हैं, मतलब क्वाइट हेल्दी। मतलब आप एक ब्रेकफास्ट में आप 2-3 चीले खा लो तो कम्प्लीटली आपका पेट भर जाता है। आगे ना परफेक्ट शेप, मम्मी की टेक्निक कभी गलत नहीं जाती है, दो मेरा भी थोड़ा सा इसमें हाथ है, बट फिर भी मम्मा ने जो बताया बिल्कुल वैसा फॉलो किया और एकदम करारा है, एकदम बढ़िया बन गया। तो यार जैसे आपने इस व्लॉग की स्टार्टिंग में देखा ही होगा कि हम लोग कहीं के लिए पैकिंग कर रहे हैं, और उससे आप समझ ही गए होंगे कि हम किसी ट्रिप पे जा रहे हैं। और उस पैकिंग में आपने एक चीज़ अगर नोटिस की हो कि हम कुछ कैंप से रिलेटेड सामान भी पैक कर रहे थे, तो उससे शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस बार हम ट्रैकिंग भी करेंगे। आप देख सकते हो यार, हमारी ना मतलब लस्सियाँ बच गई थी कुछ पैकेट्स, ये देखो यहाँ पे बचे हुए। तो ये उज्जो ने डिसीजन लिया कि बेचारे कुत्ते गर्मी में, इनको भी बुरा हाल हो रहा था, तो इनको थोड़ी सी पिलाई रहे। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, सबसे ज़्यादा हमें देखो हमारा क्या हाल हुआ, तो बेचारे इनका तो सोचो बेचारे दिन भर यहीं रहते हैं। बाकी बहुत सारे यार, ये अभी 4 ही आए। सो गाइस, अब फाइनली अब हम निकलने के लिए रेडी है, बिल्कुल ऑल सेट टू गो, अपनी गाड़ी पूरी तैयार है, सामान भर दिया है डिक्की में भी, आगे भी पूरी सीट भरी हुई है, पीछे की डिक्की भी भरी हुई है, हमारे भाई साहब भी रेडी है और तड़पती धूप में निकल रहे। टाइम क्या हुआ है भाई साहब? अभी 12 बजे यार, चलो लेट हो गया।
निकलते हैं 12 बजे, 12 बजे से पहले पहले निकलते हैं। ये देखो जी, ट्रिप की शुरुआत में ही मूड खराब कर दिया इन्होंने। अभी क्या बोल सकते हैं, घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की, भगवान हमारा सब लोग अच्छा रखना, जय जुड़ेश्वर महाराज। जब भी हमने सफर किया कुछ टाइम से अच्छा नहीं जा रहा है, भगवान सारे सफर अच्छे रखना, काफी लंबी जर्नी करनी है। सही बात है, काफी टाइम अभी हम बाहर रहने वाले, काफी लंबा ट्रिप होने वाला, तो जुड़ेश्वर महाराज चिरगुण महाराज रक्षा करना, बुद्धि देना। तो गाइस फाइनली अब हम आ गए थोड़े ठंडे इलाके में। भाई हमने सोचा पहले ही निकल जाते हैं इस गर्म इलाके से, क्योंकि वहाँ ऐसे उबलने वाले काम हो गए थे ना भाई लिटरली, कि क्या ही बताया आपको, मुझे लिटरली घुटन हो रही थी भाई, नहीं हो रहा था प्रॉपर। तो अब सब अच्छे से हो गया, हम एक अच्छी जगह पे आ गए, अपनी पेट प्लेस पे आ गए। वो कौन सी है, ईश्वर के सामने। तो सीन ऐसे है कुछ गाइस कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं शिमला। शिमला क्यों जा रहे हैं, शिमला जाने का दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जैसे आप लोग जानते ही हो गए, आजकल अभी शराद चले, शराद के टाइम पता क्या रहता है यार, जो हमारे पितर होते हैं, मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स थे ना, हाँ। ऐसा माना जाता है उनकी आत्मा को ना, मतलब खाना दिया जाता है, मतलब उनको जो उनको हम चढ़ावा चढ़ता है, मतलब उनके लिए होता है, हाँ। कि उनको अच्छा मिले, मतलब वो जहाँ पे भी है इस टाइम पे उनको अच्छा हो। इसलिए अब हम जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ, सब कुछ अपना काम निपटा के, सारा अपना जो भी मेरा काम था नीचे चंडीगढ़ में, मैं सारा निपटा के जा रहा हूँ। और वो काम क्या था आपको मैंने पहले भी बताया, सेब का सीज़न। हमारा सेब का सीज़न अब ऑफिशियली ख़त्म हो चुका है, जो मैं बिज़नेस कर रहा था वो भी सब ख़त्म हो चुका है। मैंने जितने भी मुझे ऑर्डर्स मिले थे सेब के, एप्पल के बॉक्सेस के, वो मैंने सारे डिलीवर कर दिए अच्छे से। और अच्छी बात यह है कि लोगों को सेब पसंद भी आया है, काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, और मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे मुझे फीडबैक्स मिले लोगों की तरफ से कि काफ़ी टेस्टी सेब था। एक अच्छी शुरुआत हुई, एक अच्छे नोट पे मेरा बिज़नेस ख़त्म हुआ है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अच्छी बात यह है कि यार काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, काफ़ी कुछ पता लगा है इस बारी कि कैसे क्या करना है। अगर ये टाइप का मैंने मतलब बिज़नेस संभालना है या करना है आगे फ्यूचर में, थोड़ा आगे ग्रो भी करना है, तो क्या करना है, कैसे करना है, वो सब पता लग गया मुझे। इट्स अ वेरी गुड थिंग। यार सीन ऐसा है ना, मैं रोड पे खड़ा हूँ तो कोई भी गाड़ी आसपास मतलब पास हो रही है तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो ऑडियो में दिक्कत आ सकता है, तब मैं बीच में रुक रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस फिलहाल मैं आपको अभी एक अपडेट दे दूँ, तो मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है, यहाँ लगता है बारिश हुई है। देखो सड़कें बिल्कुल गीली है, और ये यहीं से नहीं है, ये बल्कि अपना धर्मपुर से आगे से चली हुई ऐसी सड़कें, गीली सड़कें, और लग रहा है कि यहाँ बारिश हुई है। अभी वैसा फील आता ही है भाई पहाड़ों में आगे कि बारिश अभी तक चालू है। बट अच्छा सीन ये भी है कि कुछ टाइम से बारिशें कम हो रही है, अब जैसे जैसे अब ऐसा लग रहा है कि रिट्रीट हो रही है वापस मॉनसून। बाकी सब बढ़िया चल रहा है, पहुंच गए हम सोलन, मतलब सोलन और कुमारहट्टी बाईपास, बस निकलते हैं आगे आगे। सो हेलो गाइस, ट्रिप अपडेट, ड्राइवर चेंज हो गया देख सकते हो। अब रीज़न क्या है चेंज होने का, यार मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो मैं 1.5 घंटा या 2 घंटा सोया हूँ मैक्सिमम, तो ना मुझे मतलब मज़ा नहीं आ रहा था ड्राइव करते, और सेकेंडली मतलब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। आपको क्या पता यार, कोई चांस ही हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, नेवर नो, मतलब कुछ गलत नहीं होना चाहिए ना, हम ट्रिप पे जा रहे हैं। तो अभी ये बंदा कंफर्टेबल था, ये बोलता है कि मैं चला सकता, तो मैंने उसको गाड़ी हैंड ओवर कर दी। अब शिमला तक ये ड्राइव करेगा, मैं हो सकता है बीच में एक आधी झपकी मार लूँ, पर जब तक मैं खाऊंगा नहीं तब तक भी मैं फ्रेश नहीं होऊंगा, तो स्टैग का सोचा है हम लोगों ने। तो अंकल के राजमा चावल और कॉफ़ी पीने का बड़ा मन हो रहा है, बस भगवान खुले हो अंकल। सही बात है, हमने ये सोचा ही नहीं कि अगर बाई चांस खुले ना हो, हमारे पास कोई जगह भी नहीं बचेगी उसके बाद खाना खाने के लिए कहीं। कोई नहीं, डोंट माइंड यार, एवरीथिंग विल बी ओके गाइस। सही बात है, ट्रिप अच्छे से शुरू हुआ है, तो अब इसको गाड़ी मिल गई ना तो खुश देखो कितना है यार, गाड़ी चलाने का मजा आता है, फेस पे स्माइल देखो भाई है ना, आराम से फुकरी नहीं है, थोड़ी फुकरी करता है बीच में, तब मुझे पसंद नहीं आता है। बाकी आई ट्रस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। और सेकेंडली हेलो गाइस, वेलकम टू शिवम के व्लॉग्स। सही बात है, अब देखो कुछ भी हो सकता है, ये बदलता रहेगा बार बार, कभी दिलेक के बनेगा, कभी शिवम के बनेगा, क्योंकि देखो गाड़ी कभी मैं चलाऊंगा, कभी भाई जी चलाएंगे हमारे, तो वेलकम टू माई व्लॉग्स गाइस। ये
जो कैमरा मेरे पास आ गया ना, बहुत गलत हो गया है। उज्जू को अब समझ आएगा धीरे धीरे क्यों। रीज़न ये है, पहाड़ों के मौसम का हाल दिखाता हूँ मैं। पीछे ना बारिश ही बारिश थी हर जगह पे। यहाँ देखो ऐसा लग रहा है कभी बारिश ही नहीं हुई। इट इज़ सो क्लियर, वेरी क्लियर। दिस इज सोलन बेसिकली, ये शिमला और चंडीगढ़ के बीच में आता है। आप लोगों को पता होगा मैक्सिमम लोगों को, बट जिनको नहीं पता है उनको बता रहा हूँ। थोड़ी शिवम के व्लॉग्स की एनर्जी कम रहेगी गाइस, तो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। बेसिकली मैं बोलना ये चाहता था कि देख सकते हो आप कि मौसम कितना साफ हुआ है। सेकेंडली ग्रे आसमान है, तो कंट्रास्ट जो दे रहा है ना दोनों चीज़ें आपस में, ओहो हो लवली। तो गाइज जर्नी अपडेट वन मोर, सोलन क्रॉस कर चुके हैं और फाटक के इमीडिएटली बाद आप देख सकते हो रोड की कंडीशन। तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो लोग अक्टूबर में आ रहे हैं या फिर नवंबर में भी आएगी, इवन दिसंबर तक आएंगे, तो वो इस सफ़र का मतलब सोलन से शिमला तक का देख ले, क्योंकि ये रोड बहुत ख़राब है। ख़राब क्यों है? क्योंकि यहाँ अभी भी काम चला हुआ है। तो जो फोर लेन का काम चंडीगढ़ से सोलन के बीच में हुआ है, वो यहाँ पे भी होना है। समझ रहे हो बात? यहाँ पे भी होना है। शिवम के व्लॉग जो थोड़ा डिफरेंट व्लॉगिंग करेगा, आपको डिफरेंट व्लॉगिंग दिखाएगी जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। हाँ, और सेकेंडली बिल्कुल कोई फनी इंसिडेंस नहीं होंगे, कोई ऐसे उसके लिए दिल कोई ऐसे नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। यहाँ सिर्फ सरकाज़म मिलेगा, अगर मिलेगा कभी बीच में, नथिंग एल्स। क्या चक्कर है गाइज, मेरा ऐसा है कि जैसे ही मुझे पता चला कि इस ट्रिप पे हमने जाना है, तो भाई मतलब 7 दिन पहले से ना मुझे बेचैनी होने लग गई थी। मैं क्या बताऊँ आपको कि कब आएगा वो दिन, कब आएगा वो दिन। मतलब उस करके ना, मतलब ना आप पढ़ पाते हो, ना आप जा पाते हो, मतलब आप फंस जाते हो जो बीच वाला टाइम पीरियड होता है। बट उसी टाइम पीरियड में अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है यार, ऐसे ऐसे मौके। बट रियलिटी है कि अब हम ट्रिप पे आ गए, तो आई एम वेरी हैप्पी। जितने भी दिन का ट्रिप होगा, जो भी होगा, आई विल लिव माई लाइफ टू द फुलेस्ट। क्योंकि वापस जाके तो यू हैव टू डू द मेन स्ट्रीम जो आप कर रहे थे अभी तक। सो आप लोगों की प्रार्थना काम नहीं आई। जब भी हम व्लॉग बनाने लगते हैं, मम्मी हमें हमेशा याद करती है, बोलती है बिल्कुल व्लॉग मत बनाओ तुम, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अच्छा रुक जाओ मम्मी। तो गाइस बात ऐसी है कि स्टैग है बंद, हमारे कट चुका है, भूख भयानक लगी है, नींद भी भयानक आ रही है। बाय बाय स्टैग अंकल जी, आप यहाँ होते तो बड़ा अच्छा लगता। अच्छा लगता, सही बात है। आपके राजमा चावल आज बहुत याद आ रहे हैं हमें। बट ऐसे ही होता है, जिस दिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसी दिन आप नहीं मिलते हो। अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ आया करो यार, वरना नंबर दे दो अपना। सही बात है, कॉन्टैक्ट तो कर ले आपसे। अगर आपका पता हो कि आपने नहीं खोले उस दिन हम आएंगे नहीं, हम उम्मीद ही लेके आएंगे। तो गाइस फाइनली अभी हमें एक जगह मिल चुकी है, अब क्या ही बताया आपको, बड़ी मुश्किल से मिली है भाई। इसका नाम है ट्रक डिलाइट। तो अब इस बार ही सोचा हमने यहाँ ट्राई करते हैं, यहाँ खा के देखते हैं कैसा रहता है। अभी हमने यहाँ ऑर्डर दिए 2 राजमा राइस, तो देखते हैं अब कैसा बनता है, क्या क्या होता है, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है भाई, रुका नहीं जा रहा था। अंकल के राजमा चावल नहीं मिले तो ट्रक डिलाइट के मिल जाएगी, ऊपर जाएंगे ट्रक के ऊपर भी बैठने के लिए। नीचे ये प्रिपेयर करते हैं, ऊपर हम बैठने रहेंगे। और बिल्कुल देखो रोड यहाँ पे, बिल्कुल मुंह के सामने रोड है। शोगी से कितना दूर है? 5 मिनट 5 मिनट दूर है शोगी से बस ये जगह, मतलब ये जहाँ ये ट्रक खड़ता है। तो चलो ऊपर चलता है, आके रिव्यू देता है। बाहर से कहीं गिर ना जाए, इट फील्स ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही बढ़िया जगह है। देखो ये ना थोड़ा झूलता है। फूड रिव्यू क्या जगह थे इसको? ट्रक डिलाइट का फूड रिव्यू राजमा चावल का, इट वाज गुड। इट फील लाइक कि घर का खाना ही है। बिल्कुल राजमा चावल बिल्कुल ऐसे नहीं लगे कि कहीं बाहर का है। तो 100 रुपीज की प्लेट थी, तो उस हिसाब से ठीक है यार, जितना भी है अच्छा मिला, मगर खाना जो था वो बहुत अच्छा था। तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि आप भी यहाँ आ सकते हो, खा सकते हो। शोगी से 5 या 10 मिनट्स पहले ही है। गाइस मैगी वाज आल्सो हियर। आपका भाई दिलेक के व्लॉग्स मतलब उज्जवल, वो गया है पेमेंट करने, बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। ऊपर से यार हमें लेट हो रही है,
क्योंकि मम्मा इंतजार कर रहे कहीं पे, तो फिर आपको आके मिलता है, बताते हैं फिर सीधा। ठीक है, देख सकते हो अब दादी के ना भाव बढ़ गया। दादी मैं कब से बुला रहा हूँ, दादी आ जाओ आ जाओ। आया नहीं रही भाई दादी, अरे भाई आई नहीं रही, हीरोइन ही बना दिया दादी को। तो दादी देखो भाव भी नहीं दे रही हमारे को, हमारी नौकरी में हमने तो बोला ही नहीं हमारी। घर सुनो आप यार, ठीक है दादी, मजे में मजे में मजा है, मजा तो मजा सजा बन जाती है कभी, मजा तो संसार में मजा तो किसी के नहीं है। ऐसा ही है, क्यों नहीं है, ऐसा ही है मजे यार दादी, दुनियादारी है। अरे मजे सोच में दादी, हर कुछ हो रहा बेटे, हर कुछ टैग नहीं देना पड़ता मन, क्या करना, खुद पकड़ के रखो मन को। नहीं ये पकड़ा हुआ नहीं रहता है, नहीं ये नहीं रहता। अरे मन का बुरा तो यही है, मन अपना वही है दादी, जिस दिन मन पकड़ लिया ना उस दिन तो सब मुट्ठी में, इसको नहीं पकड़ सकता कोई नहीं। कभी कुछ कभी कुछ, कभी इधर कभी उधर, कभी घूम घूम के इसका तो पढ़ो। पापा वगैरह ने अपनी अपनी उससे पढ़ा, हाँ। अपनी उससे पढ़ा, देखो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ा। सही बात, खुद माइंड के डर से ना मास्टर, अच्छा वो पढ़ते थे खुद, हमने कभी नहीं बोला पढ़ो पढ़ो, हम बोले मैं भाई काम करो भाई, पढ़ने से क्या मिलेगा तुम्हारे, ये बोलते थे कि बगीचे में जाओ खेत में जाओ काम करो। तो अब क्या लगता दादी आपको, ठीक क्या उन्होंने जो पढ़ा उन्होंने, भगवान ने दिया हुआ सबको दिया हुआ ईश्वर ने, ये प्रभु है सबका, ये प्रभु ने सोच के रखा था देखो के बोलो खेत में नहीं एक करेंगे पढ़ाई। अब सर सारे तो उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ भी हमारे सारे पेरेंट्स ने खेत में काम किया है, क्यों दादी पढ़ते पढ़ते भी रोटी बनाते, रोटी बनाते, घास बनाना, लकड़ी बनानी, भाई सारा काम करके इन्होंने बेचारे ने इतनी मेहनत की है ना। सही बात है, पढ़ के भी अवसर ही दिखाई, अवसर बन गए सारे। सही बात, तो उन्हीं के बता देते हैं हम भी आज आगे जो भी। और मगर आप, मगर आपके पोते मार रहे मजे दादी आप पोते आराम की जिंदगी जी रहे पोते आपके, पोते भी बड़े मेन भैया से हम नहीं बोलते भाई, पोते ऐसे नहीं आजकल के पोते तो भाई घर में खुश है भाई, दादी अपने पोतों से खुश है, बस यही चाहिए, घर में टिकते ही नहीं। हां वो तो है, हमारे पोते पोती इतने बढ़िया शरीफ बेचारे धोते सब। हाँ सही बात है, हमारे है तो कुछ नहीं, ईश्वर का है सब कुछ, इसका प्रभु का इसने दी है शक्ति सारी। घर में बोलो इंतजार पूछ रहे हैं सब की को भाई भाई पे भी तो बहुत ही होते दादी, पॉपुलैरिटी देख रहे दादी के लिए। और क्या, चंडीगढ़ में जाओ सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी दादी को सब पूछते कहाँ है माताजी, कहाँ है माताजी, कहाँ है, यहाँ शिमला में पूछने किराएदार पड़ोसी माताजी कहाँ है, गांव में भी माताजी कहाँ है। तुझे कोई नहीं पूछ रहा, हमें हमें कौन पूछता है भाई, हमारे को लोग देखते बोले कौन आ गया सही बस कि खाओ पियो और सो जाओ, बस नहाने फिर खाओ पियो और सो जाओ, ज्यादा वो नहीं है, ज्यादा कुछ करने का मन है नहीं अभी, थोड़ा बाकी देखते हैं अगर कुछ कुछ होगा अभी, बस अभी तो पहले चाय पी रहे हैं, मम्मा चाय बना रहे हैं, फिर उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या, फिर नहाएंगे धोएंगे फिर खाएंगे पिएंगे फिर सो जाएंगे यार। मैं आपको एक चीज बता दूं यार कि पापा की अभी रिसेंटली अभी ट्रांसफर हुई है, कुछ रिटायरमेंट वही रिटायरमेंट के सिर्फ दो साल बच्चे, देखो सही बात। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग पापा ने जब पापा की जॉब लगी है बैंक में तो कोटखाई में लगी थी सबसे पहले 1988 में, और उसके बाद चुप कितने सिर्फ 600 रुपए में, देखो वैल्यू बहुत होती थी, 600 रुपए की वैल्यू बहुत होती थी। मगर फिर उसके बाद पापा देखो चौपाल शिफ्ट हुए थे, फिर शिमला, शिमला पापा को ऑलमोस्ट 25 से 30 साल हो गए थे, मगर अब देखो इतने टाइम बाद पापा की ट्रांसफर हुई है कहाँ, वापस कोटखाई। हाँ जी कैसा लग रहा था दादी, वापस कोटखाई बोलो, चलो जहाँ से शुरुआत की वहीं से, हाँ जहाँ से शुरुआत वहीं, दूर हो जाएगा दादी यार बाकी तो गए यहाँ से, थोड़ा दूर तो है मगर कुछ नहीं है। हाँ चलो ये तो चलता रहता, अब क्या है, चलो दुनिया के
तौर जब आएगा तब पूछूंगा उसको मैं आशीर्वाद लेके क्यों नहीं आया भाई तेने मेरे को बताया नहीं। हाँ बताया नहीं था आपको? नहीं। अच्छा क्या आज जा रहे बताया नहीं? वो पापा का आज पहला दिन था वहाँ का, तो पापा सुबह चले गए, सुबह निकल गए थे जल्दी, तो वहाँ से अब 5 बजे निकले और कोटखाई शिमला से आपका कितना, ऑलमोस्ट 65-70 किलोमीटर्स है सोचो। तो अभी पापा सोच रहे हैं कि 2-3 दिन तो अप डाउन करेंगे, फिर धीरे धीरे अकोमोडेशन देखेंगे अब, ताकि जॉब तो करनी पड़ेगी यार, क्या ही कर सकते हैं। दादी तंग करते हैं आप मेरे को। दादी करते हैं आपको तंग, तेरे सिर पर पानी का बिल टैंकी तेरे लिए खाली बिल्कुल टैंकी ऊपर तो ऐसा है बिल्कुल खाली टैंकी। ये लड़ाई ये जो हम बात कर रहे हैं ये ब्लॉक में आ जाएगा, आ जाओ संदीप देखते फिर बोलेंगे तू झगड़ा कर रही रात का। बताओ दादी सब बताओ, सब बताओ संदीप दादी तुम होगी ना फेमस। बताओ दादी बताओ। मैंने संदीप को शिकायत करनी ठहर जाती ब्लॉग पे ही कर दो दादी ब्लॉग पे। आप ऊपर आओ और मेरे को 10 मिनट के लिए खोलो भाई भाई खोल दो यार दादी दादी बहुत देर करते हैं। खोल रहे जी खोल रहे। दादी देखो दादी की जान पहचान देख रहे पूरे उसमें। दादी को सब ऐसे ही करते हैं भाई प्यार ची करते हैं दादी आते हैं ऐसा करते हैं।